दाहोद नामक एक गांव में लक्ष्मीधर नाम का एक आदमी अपने दोनों बेटे रघु और कमल के साथ रहता था। बेटा, मुझे लगता है मेरा अब जाने का वक्त आ चुका है। तुम ये सारी जमीन आपस में बांट लेना और हमेशा मिलकर रहना। पिताजी, 2 बीघा जमीन हमारे लिए छोड़कर जा रहे। इतनी सी जमीन में तो एक शौचालय भी ना बने, और इसमें से भी 1 बीघा जमीन इस रघु के बच्चे को भी देनी पड़ेगी। लक्ष्मीधर यहाँ मौत से लड़ रहा था और इधर कमल को सिर्फ जमीन का लालच था। ऐसा मत कहिए पिताजी, मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है। बेटा, लगता है मेरा समय आ चुका है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ये कहकर लक्ष्मीधर उन दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। लक्ष्मीधर का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद एक दिन कमल रघु से बोलता है। देख रघु, पिताजी हमारे लिए केवल 2 बीघा जमीन छोड़कर गए, हम दोनों 1-1 बीघा जमीन बांट लेंगे। और हाँ, खेत के बाजू में जो आम का पेड़ है वो सिर्फ मेरा है। लेकिन भैया, उस पर तो हम दोनों का हक होना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरा है, मैंने ही उस पेड़ को लगाया था और उसके आमों पर भी मेरा ही हक है। लेकिन भैया, उसको मैं रोज पानी देता हूँ, इस हिसाब से मुझे आधे आम मिलने चाहिए। मैंने तुझसे थोड़ी कहा था पानी देने को, वो पेड़ सिर्फ मेरा है। फिर वो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। इसका फैसला तो अब मुखिया जी ही करेंगे। हाँ, मैं डरता थोड़ी हूँ मुखिया से। चलो चलते हैं मुखिया के पास। क्या हुआ रघु और कमल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी, हमारे खेत के बगल में जो आम का पेड़ है वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो पेड़ मैंने ही लगाया था। मुखिया जी, मैंने उस पेड़ को रोज पानी दिया है, तब जाकर उसमें आम आए, इस हिसाब से तो वो पेड़ मेरा होना चाहिए। अब आप बताइए मुखिया जी, वो पेड़ किसका है? ये तो तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया भाई। मुखिया कुछ देर सोचता है और फिर उसको घर में एक सिक्का दिखाई देता है, और फिर मुखिया वो सिक्का अपने हाथ में रख लेता है। मेरे पास एक तरकीब है, मेरे हाथ में एक सिक्का है, इस सिक्के के एक तरफ लाल कलर और दूसरी तरफ नीला कलर है, तुमको इनमें से एक एक कलर चुनना होगा। फिर दोनों भाई एक एक कलर चुनते हैं। मुखिया जी, मैं नीला कलर लूंगा। और मुखिया जी, मैं लाल कलर लूंगा। अब मैं सिक्के को हवा में उछालता हूँ, जिसका भी कलर ऊपर आएगा उसको पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिया जाएगा, और जिसका कलर सिक्के के नीचे आएगा उसको पेड़ के नीचे का हिस्सा दिया जाएगा। फिर मुखिया सिक्के को हवा में उछाल देता है, सिक्के के ऊपर लाल कलर आता है। अरे वाह, मैं शर्त जीत गया। कमल शर्त जीत चुका है, और शर्त के मुताबिक कमल को पेड़ का ऊपरी हिस्सा और रघु को पेड़ का निचला हिस्सा मिलेगा। फिर दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। देख रघु, इस आम का ऊपरी हिस्सा मेरा है, इसलिए इसके आम पर सिर्फ मेरा हक है, और शर्त के मुताबिक तुझे इसके निचले हिस्से में पानी देना होगा। लेकिन भैया, मुझे इसमें से थोड़े से आम तो खाने दो। नहीं, इसमें से तुझे 1 भी आम नहीं मिलेगा। अब जा और अपना काम कर। फिर रघु उदास होकर अपने घर चला जाता है। अब इन आमों को बेचकर मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, और इस रघु के बच्चे को तो मैं लात मार कर निकाल दूंगा। फिर कमल कुछ आमों को टोकरी में लेकर बाजार चला जाता है। तभी कमल एक आम के व्यापारी से बोलता है। अरे भैया जी, आप आम खरीदेंगे क्या? तभी व्यापारी उन आमों को देखकर बोलता है। आम तो तुम्हारे बहुत ही बड़े और अच्छे दिख रहे हैं, इन आमों के तुम्हें बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे, मुझे ये सारे आम दे दो। कमल वो सारे आम उस व्यापारी को दे देता है, और उसके बदले उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। उन सारे आमों को बेच कर कमल घर चला जाता है। आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई, कल से मैं और ज्यादा आम ले आऊंगा। इधर कमल पैसे गिन रहा था, और पास ही बैठा रघु उदास मन से ये सब देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा है, जाकर पेड़ में पानी दे करा, और हाँ, अगर 1 भी आम को हाथ लगाए तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर रघु पेड़ को पानी देने चला जाता है।
अगर मैं इसमें से एक आम खा लूं, तो भैया को क्या ही पता चलेगा। रघु जैसे ही एक आम खाने लगता है तभी वहाँ कमल आ जाता है। रघु तेरी ये मजाल, तूने मेरे आम को हाथ कैसे लगाया? मुझे माफ कर दीजिए भैया, बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए मैंने एक आम खा लिया। क्या तूने मेरा एक आम खा लिया? निकल जा मेरे घर से, अब मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मुझे माफ कर दो, आपके बिना मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। अरे कहीं भी जा, मुझे इससे क्या, लेकिन अब मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कमल रघु को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है और रघु भटकता हुआ एक जंगल में चला जाता है। रघु जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या परेशानी है तुमको? बाबा जी मेरा इस दुनिया में मेरे भैया के अलावा कोई भी नहीं है और आज उन्होंने भी मुझे इस घर से निकाल दिया। मैं सब जानता हूँ बेटा, तुम्हारे पास एक आम का पेड़ है जिसका निचला सिरा तुम्हारे पास है और ऊपरी सिरा तुम्हारे भाई के पास। हाँ बाबा जी, लेकिन अब मैं उस निचले सिरे का क्या करूँ, उसमें तो सिर्फ मैं पानी ही डाल सकता हूँ। इस समस्या का मेरे पास एक हल है, सुनो। फिर बाबा जी ने रघु के कान में वो सारी बात बताई। मैं समझ गया बाबा जी, मैं आपके बताए अनुसार ही करूँगा। फिर रघु बाबा जी को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है। आज मैं ज्यादा आम तोड़ लेता हूँ, अगर ज्यादा आम बेचूंगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। कमल अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ रघु आ जाता है। भैया मुझे भी इनामों का आधा हिस्सा चाहिए। तो फिर आ गया, और तेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी कैसी, क्या तू मुझे मारने आया? नहीं मैं इस पेड़ को काटने आया हूँ। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये सब तू क्या बक रहा है? भैया शर्त के मुताबिक ये पेड़ का निचला हिस्सा मेरा है और मुझे घर बनाने के लिए इसका तना चाहिए, और मैं मेरे हिस्से का कुछ भी करूँ आप सामने से हट जाइए, नहीं तो आपके भी दो टुकड़े कर दूंगा। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कर, अगर तूने इस पेड़ को काट दिया तो फिर हम क्या करेंगे? मैं तुझे इसमें से आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, और तू भी अब मेरे साथ ही रहना, ठीक है? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है मुझे मंजूर है, अब से इस पेड़ के आमों को हम दोनों भाई आधा आधा रखेंगे। फिर कमल रघु को उसमें से आधा हिस्सा दे देता है। अब मैं भी इन आमों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी आमों की टोकरी लेकर बाजार निकल जाते हैं। ये कौन है कमल, इसको तो मैंने आज तक नहीं देखा। मालिक ये मेरा भाई है, आज से ये भी आम लेकर आएगा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये सारे आम दे दो, मुझे इनको लेकर बाहर जाना है। दोनों भाई अपने अपने आम उस व्यापारी को दे देते हैं और व्यापारी दोनों भाइयों को पैसे दे देता है। फिर वो दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर कमल के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। इस रघु के बच्चे को आधा हिस्सा देने से मेरा मुनाफा बहुत ही कम हो रहा है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। रात को जब दोनों भाई सोने के लिए जाते हैं तब कमल रघु से कहता है, अरे रघु मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, तू घर पर ही रहना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। लेकिन भैया आप इतनी रात को बाजार क्यों जा रहे हो, सुबह चले जाना। तुझसे एक बार बोल दिया ना, अब चुपचाप जाकर सो जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर कमल बाजार चला जाता है। और धीरज भैया कैसे हो? बस भैया सब ठीक है, सुनाइए यहाँ कैसे आना हुआ? धीरज भैया आपने बोला था ना कि आपके पास आमों को बड़ा करने की दवाई है, बस वही लेने आया हूँ। दवाई तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बस इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमको जेल भी हो सकती है, क्योंकि इस दवाई के पके आम खाने से लोग बीमार भी हो सकते हैं, समझे? ठीक है धीरज भैया, इस दवाई के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस आप मुझे वो दवाई दे दीजिए। फिर धीरज कमल को वो दवाई दे देता है और कमल उस दवाई को लेकर घर आ जाता है। रघु
रघु अभी सो रहा है, मैं चुपके से ये दवाई अपनी टोकरी के आमों में मिला देता हूँ। कल तक ये सारे आम बड़े हो जाएंगे और मेरा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। फिर कमल उन सभी आमों में वो दवाई मिला देता है। अब आएगा ना मजा, मेरा नाम कमल है, मैंने अच्छे अच्छों को कीचड़ में डुबोया है। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी टोकरी के आमों को बेचने के लिए बाजार जाते हैं। सबसे पहले रघु अपने आमों को व्यापारी को तोलने को देता है। रघु तुम्हारे आम 20 किलो हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। रघु व्यापारी से अपने पैसे ले लेता है। ये लीजिए मालिक, इन आमों को भी तोल दीजिए। कमल तुम्हारे आम 40 किलो है, ये लो तुम्हारे पैसे। भैया और मेरे आम तो बराबर थे, फिर उनके आमों का वजन मेरे आमों से ज्यादा कैसे हो सकता है? लगता है भैया ने कुछ आम चुरा लिए, कल पेड़ से आम मैं तोड़ूंगा। व्यापारी से पैसे लेने के बाद दोनों भाई अपने घर वापस आ जाते हैं। आज तो मुझे रघु से दुगना मुनाफा हुआ है, अब मैं रोज इस दवाई को अपने आमों में मिलाऊंगा। फिर दोनों भाई अपने पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चले जाते हैं। भैया आज पेड़ से आम मैं तोड़ूंगा और आप नीचे रहकर इन आमों को टोकरी में भरना। ठीक है रघु, तू ऊपर चढ़कर आम तोड़, मैं नीचे रहकर आमों को टोकरी में भरता हूँ। फिर दोनों भाई अपने अपने काम में लग जाते हैं। आमों की टोकरी भर जाने के बाद दोनों भाई अपनी अपनी टोकरी लेकर घर आ जाते हैं। दवाई तो खत्म हो गई, मुझे रात को दवाई लेने जाना होगा। रात को जब रघु सो जाता है तब कमल वो जहरीली दवाई लेने धीरज के पास जाने लगता है। जैसे ही कमल वो दवाई लेने जाता है तभी कमल के पैर की आहट से रघु की नींद खुल जाती है। अरे ये भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर रघु कमल का पीछा करने लगता है। धीरज भैया जल्दी से वो आमों को बड़ा करने वाली दवाई दे दो, नहीं तो कोई आ जाएगा। फिर धीरज वो दवाई कमल को देता है। रघु एक पेड़ के पीछे से ये सारा नजारा देखता है। अच्छा तो ये बात है, भैया आमों को बड़ा करने के लिए इसमें जहरीली दवाई मिलाते हैं। फिर कमल वो दवाई लेकर घर आ जाता है। अब मैं जल्दी से ये दवाई इन आमों में मिला देता हूँ। जैसे ही कमल वो दवाई आमों में मिला रहा होता है कि तभी वहाँ रघु आ जाता है। भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको पता है इस जहरीले आमों को खाकर लोग बीमार हो सकते हैं और इन आमों से बीमारियां भी हो सकती है। रघु तू अब मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। कमल रघु की एक नहीं सुनता और वो दवाई उन आमों में मिला ही देता है। भैया आपने मुझे तो रोक लिया लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अगले दिन दोनों भाई अपने आमों को लेकर बाजार जाते हैं। लाओ भाई अपने आम जल्दी लाओ, मुझे देर हो रही है। फिर जैसे ही व्यापारी कमल के आमों को तौलता है तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर अपने कुछ हवलदारों के साथ आ जाते हैं। हवलदार गिरफ्तार कर लो इस व्यापारी को। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर कमल बुरी तरह डर जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आमों में नशीली दवाई मिलाकर बेचते हो, तुम्हें पता है इन आमों को खाने से कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं? इंस्पेक्टर साहब मैंने इन आमों में कोई नशीली दवाई नहीं मिलाई, मैं तो ये आम इन दोनों भाइयों से खरीदता हूँ। फिर रघु कमल से कहता है। कमल भैया इंस्पेक्टर साहब को सच आप बताएंगे या फिर मैं बताऊँ? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब मुझसे उस धीरज ने करने के लिए बोला था। तुम उसी धीरज की बात तो नहीं कर रहे जो नशीली दवाइयाँ बेचता है? चल तू मुझे उस धीरज के पास ले चल। फिर कमल इंस्पेक्टर साहब को धीरज की दुकान पर ले जाता है। युबे नशीली दवाइयाँ बेचता है, मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। गलती दोनों ने की है इसलिए सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। अब खड़े क्या हो, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसका कोई कसूर नहीं है, वो इस धीरज के बहकावे में आ गया था। फिर इंस्पेक्टर धीरज को जेल ले जाता है और कमल को छोड़ देता है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई,
आज मुझे समझ में आ गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।